रेटिंग है 72 से 74 सप्ताह की। इसका खून गरम है बिल्कुल। बेशक जीटी कैंसिल करनी पड़ जाए। अब महिंद्रा थार की टेस्ट ड्राइव लेने खड़े हैं ना चिपकाने वाले भाई। सारी थार भी ऐसे खरीद ले करे हम। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम करे हैं क्या कर रहे हैं हम? ये देखो भाई, ये क्लीनर लेके आए हम और ये लुब्रिकेंट रॉयल एनफील्ड। भाई ये इसकी जो चेन साफ करने का प्राइस है ना, वही 1100 रुपए पड़ गया हमें। तो चल देखो भाई चैन कैसे साफ होती है, ये भाई साहब सिखाएंगे। ये मिस्त्री है हमारे यहाँ के फेमस मिस्त्री। हमने बाइक मेंटेन करनी है। अरे चल कर, अरे चल ग्रीस। तो भाई पहले क्लीनर लगाते हैं। अब इसके बाद क्या करना होगा सर? हाँ बहुत है, अब फालतू मत लगा। छोड़ दे, गंदगी कैसे गिर रही है, टपक टपक भाई। अभी से 5 मिनट तक हम छोड़ देंगे। और इसके बाद क्या होगा सर, दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि इस पाइप को अपने जैकेट से पूछे। ओके, इसमें फिट कर दें। ओके, उसके बाद क्या करेगा? चैन को धोएगा? नहीं, धोनी वोनी नहीं है तो? अरे हाँ, चैन को धोनी होती है। एक बार पानी लगेगा फिर वो साफ होगा। इसीलिए कह रहा है मैं कल इस पे पानी मरवा लो। पानी पर ये वॉशिंग सर है ना, ये दिखाना इनकी, इसमें शक्ल दिखाऊं। ये पोछे वाले आदमी को दिखा दे। ये इनकी देखो ये क्या क्या काम करते हैं। ये इन्हें देखना YouTube में कैसे सज धज कर घूमते हैं। देखो ये क्या काम कर रहे हैं। देखो ये क्या करे मालिक, ऑन कैमरा कुछ और होते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं। अब इस पे पानी लगेगा, पानी लगवा के फिर ये लगेगा लुब्रिकेंट। भाई तो 1100 रुपए का नुकसान होगा। मैंने हल्का हाथ कर रखा है, इतना ज्यादा वेस्ट करें। तेज भैया तो ऐसी डालना, ऐसी चलता है पागल पागल बदतमीज। बस हो गई ना स्मूथ एकदम। और सा अंदर में डाल दो अपना। हाँ अंदर डाल दो थोड़ा सा। चलो गाइस, घर से निकल चुके हैं हम महिंद्रा के शोरूम के लिए। महिंद्रा के शोरूम जा रहे हैं हम महिंद्रा थार की टेस्ट ड्राइव लेने। 4x2 लेनी चाहिए, 4x4 बर्थ देखो ऐसा हमारे लिए। चलो भाई ये बताएंगे, ये क्योंकि ये कार की रिव्यूज करते हैं तो इन्हें ज्यादा पता होगी, ये बताएंगे। इनका चैनल अब तक ऑप्शन क्या था भाई? 4x4 था। हाँ 4x4 होने के बाद ना एक कस्टमर की जो कैटेगरी थी ना वो खत्म हो चुकी थी, जिसको 4x2 का ऑप्शन चाहिए होता है, जिसको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, जिसको हिल्स एरिया पे नहीं जाना। तो भाई बहुत अच्छा ऑप्शन निकाल दिया महिंद्रा ने 4x2 देके, क्योंकि प्राइस रेंज देखो 11-11.5 लाख रुपए में आपको थार मिल जाती है। और क्या ही चाहिए तो भाई, क्या करा तूने? ये बंदा जो है ना ज्यादा ही वो बन रहा है ड्राइवर। अब उधर से लोग कहाँ जाएंगे? मैं अंदर को बढ़ गाड़ी फंसा दी तूने। तो भाई ये भी है कि 1500 cc का उसमें इंजन मिलता है, जो उसमें 4x4 में 2100 cc का इंजन मिलता है। और मेन कारण ये हमें 26 इंची अलॉय डालने हैं। ज्यादा ना हो गया ना 26 इंची डालने? उसका एवरेज भी अच्छा है डीजल में, क्योंकि जो 21 cc का इंजन है उसमें वो देती है हाईवे 1500-1600 का, और ये देती है शायद लोकल में 1500-1600 का दे देगी आराम से। 1500 cc तो डीजल में मिलता है, पेट्रोल में तो 2 लीटर ही मिलता है उसमें। हाँ तो इसलिए तो क्या ब्रांड कर रहा है, तो हम तो डीजल ही लेंगे ना। डीजल ही लेनी है और क्या, और लेंगे तो वो लेंगे टॉप मॉडल जो उसका, जो 4x2 में है। और जाके बताता हूँ कैसे ड्राइव लेके, कैसी लगी कैसी नहीं लगी। 4x4 डीजल मैनुअल, 4x4 सॉरी 4x2। महिंद्रा 4x2 है, कैसी लग रही है भाई? एक नंबर, मैं बता नहीं सकता क्यों। कांट एक्सप्रेस इसमें मर्सिडीज के वेंटर लगे हैं। 10,99,000 का पहले एक शोरूम था, अब 12,04,000 रुपए का। 1,05,000 रुपए बढ़ गए ना यहाँ पे। हाँ, और जो इसका सेकंड मॉडल था उससे भी बढ़ गए। वो कितना? 1,99,000 रुपए था। 10,54,000। अब ये ऑन रोड कितने की पड़ेगी? ये पड़ेगी यदि कोई एक्सेसरीज वगैरह नहीं लेते हैं तो 14,34,000 रुपए। अगर एक्सेसरीज नहीं लेते हैं तो 14 लाख, मोटा मोटा 1 लाख बढ़ गया। नहीं 13 14 क्यों? ये डीजल मैनुअल की इंजन का भी फर्क है। इंजन वो 1500 cc का है। आदमी पे आपने 80 किलो वजन डाल दिया, ठीक है, हल्के से बच्चे बंदे कंधे उसके इतने बंदे थे। ये आपके जैसा हम भी 80 किलो दे दी, दोनों में फर्क है ना। कैपेसिटी किसकी ज्यादा ले जाए? ये बूस्ट मारती है 1500 rpm के आस पास। गाड़ी बढ़िया नो डाउट, ऐसा नहीं, लेकिन जो पावर कितने rpm पे?
1500 वो अलग चीज़ है, ये अलग। फिर आप कहीं ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं तो फिर आपको लगेगा या फोटो को एक तो पता क्या होता है, घर से कुछ रोजमन बना गया हो जब शोरूम में बैठ जाओ तो हमें कुछ और ही कहानी है। ऐसे हमारे साथ पंच के साथ हुआ होता है, लेकिन पहले अभी ये देख रहे हैं तो जनवरी में लॉन्च हुई है गाड़ियाँ मिलनी, सब कब शुरू होगी? मार्च से। 50,000 पहले का गई, अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, एक ही महीने तो हुआ गाड़ी डिलीवर स्टार्ट होने, एक महीने में 1,00,000 रुपये बढ़ चुके हैं। अच्छा वेटिंग कितनी? वेटिंग है 72 से 74 सप्ताह की। नहीं कितना कितना क्या करेंगे बताइए ना। जो अपना एनसीआर का हेड है ना, वो पापा को बहुत अच्छा दोस्त है, तुरंत दिलवा देगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले चलाक चेक कर लें और कितने क्या पड़ रही है मेन वो चीज़ है। हमने तो स्कॉर्पियन ले ली थी जब डिलीवरी स्टार्ट हुई, पहले स्कॉर्पियन ले ली थी। देखो स्कॉर्पियो की डिलीवरी के अलग रही है, इसके अलग है। नहीं बात ठीक है, पर डिमांड तो उसकी ज्यादा है। ऑनलाइन जिसका होगा उसके पास रिकॉर्ड जाता है, मेल जाता है, व्हाट्सएप जाता है, उसकी गाड़ी 350 है। जब तक आप उसे 18 महीना ले लेंगे भाई साहब, आप गाड़ी ले रहे हैं नहीं ले रहे? तो भाई महिंद्रा थार 4x2 की, ये देखो यहाँ पे गेट लेवर नहीं है इसको, 4x4 का। इसकी टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं, आप देखते हैं पसंद आती है नहीं। हाँ कितने किलोमीटर की होगी टेस्ट ड्राइव? जब तक मन करे तो 1 किलोमीटर तेरा, 21 का, 1 मेरा। बोलूं मैं सही लग रहा हूँ क्या थार में? भाई थार में तो हर लाइक योर शरीर, थार में तो हर कोई बंदा अच्छा लगा। कैसे ही हो तेरी गर्मी ज्यादा? हाँ तूने चलाई 4x4 पहले, कुछ डिफरेंस देख? इनिशियल तो कुछ पता नहीं लगेगा डिफरेंस, कब पता लगेगा? पर वही है ना, जब आरपीएम हाई करेंगे ना, उसके बाद फील होगा कि हाँ 4x4 की ताकत आ गई। वो 2.2 लीटर में आते भाई, ये 1500 cc है। इनिशियल में ये हल्की उठती है, वो हाँ ये तो थोड़ा सा तो फर्क होता है। और जो इसका जो सेम मॉडल है 4x4 में, वो ऑटोमेटिक में कितने का, कितना डिफरेंस है? 2,00,000 रुपए और है उसके। ये पीछे के लिए बस सामान भरने के लिए, आगे दो ही बैठ सके हैं इसमें। तभी तो पता लगता है हाँ ये ऑफ रोड जा रही है। क्या बात है, 4x4 भी एक बार ढंग से चला के देखनी पड़ेगी, वो तो एक ही बार ली जाएगी, कोई ये ट्रेंड बार बार लेंगे। इसका जो साइड मिरर है इतना अच्छा व्यू है ना उसका, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो एक गड्ढा दिख जाएगा पीछे का। 5 डोर दिसंबर से पहले ना उसकी जाएगी, 10-12 साल की वेट है। चला के देखने एक बार, देख लो चला के। अच्छा स्पेस तो पीछे भी ठीक है यार, ऐसा तो है ना कि स्पेस बेकार है। हाँ स्पेस तो ठीक है, बस ये थोड़ा सा ना, हाँ 4 सीटर के हिसाब से तो बढ़िया है, बस थोड़ी दिक्कत यही लगती है पीछे जो अंदर बैठने में प्रॉब्लम होती है। देखिए गोलू छोटे छोटे गड्ढे भी फील होंगे इसमें, सेफ्टी में 4 स्टार इधर लेनी है। तो 4x4 का हुआ था उसमें भी 4 ही थे ना, सेफ्टी में तो अच्छी है गाड़ी, मजबूत तो है। चिप्पे आने में तो बहुत गाड़ी चली गई था, और आज भी मुझे लग रहा है एक डिलीवरी है शायद। खड़े है ना चिप्पे आने वाले भाई, हम भी चिप्पे आने से भाई, इतनी थार गई है चिप्पे आने में यार। टाटा पंच बहुत अच्छी है वासु, इसकी पावर हम तो अपग्रेड कर सकते हैं इसमें। वासु गाड़ी तो यही है, बेशक जीटी कैंसिल करनी पड़ जाए अब। अच्छा इसमें ऑटो स्टार्ट है क्या, अपना बंद हो जाती है ये गाड़ी चलने के बाद? कुछ सेकंड में जैसे ही आप क्लच छोड़ेंगे बंद हो जाएगी। हां वही वही वही, वो मेरी पंच में भी है ना फीचर, क्लच दबा ले बस भाई, सही पावर भाग रही है। इसमें कितनी BHP मिलती है? इसमें 117 PS है। टॉर्क तो सेम है 300? टॉर्क सेम है, हाँ 300 टोर का। जब तो ये पावर कम नहीं मानती फिर भी, थार में तो टोर की चाहिए। एक चीज ये बढ़िया है कि पेट्रोल अगर हम इसका लेंगे ना तो सेम ही पावर है दोनों में, पर इसका प्राइस भी आई है बहुत। पेट्रोल का 16 के आसपास, 16 के आसपास, फिर तो 4x4 लेने का मतलब बनता। अच्छा सिटी में कितना देगी आइडिया? मतलब हमारी जितनी गाड़ी दे रही है उतना ही देगी, 10 है। पर ये भी तो है इसमें सब भगा भी तो रहे हैं। हाँ 12 का तो दे देगी आराम। पर भाई इंटीरियर ना ऐसा दे रखा है गाड़ी में कि तुम्हें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। इसका खून गर्म है बिल्कुल, इसमें गर्म की क्या बात है, मुझे और टेक करनी चाहिए। क्यों करनी है? टैक्स रोड टैक्स होना पड़ रहा भाई। टेस्ट ड्राइव पूरी कर ली है, अब देखते हैं इसको, बाद में मन बनाते हैं, घर जाके सोचते हैं, परफॉर्म बनवा लेंगे, घर जाके देखते हैं फिर कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, 4x4 या 4x2, और जिमनी भी देख सकते हैं। ज्यादा नीचे ना पहुंच गए तो है तो ना, ये जिमनी जिमनी कर रहा बस बस बस। ना मैं ये कह रहा हूँ नई गाड़ी है, एक बार जाके देखो तो सही क्या है उसकी। गर्मी इतनी हो रही है कि एकदम से मन कर गया मैंगो शेक पीने का। अब जा रहे हैं यहाँ पे विजयनगर में, एक मैंगो शेक बनाता बहुत बढ़िया, मैंगो शेक तगड़े वाले, मैंगो शेक 3 बढ़िया वाले, लेकिन फ्लेवर्ड मत करना बिल्कुल भी। बदल गए तुम, पहले तो कोई और था अंदर ही है, बुला लो एक बार। बढ़िया सा बना दियो भाई, आइसक्रीम आइसक्रीम डाल के सब कुछ। जूस वाले की यहाँ पे चली गई लाइट, 5 मिनट तक वेट कर रहे, लाइट आ गई तो ठीक है वरना फिर चलते हैं यहाँ से। हमें छोटे छोटे गिलास दे सबसे बड़ा ले लिया भाई, मैंगो शेक के चक्कर में देखो कितने पूरे जाम में फंसे हैं। ये रैली निकाल रही है ना, पता ना कौन कौन रैली निकालता रहे, कोई नेता वेता की यहाँ पे रैली निकल ली, उसके चक्कर में यहाँ पे पूरी देखो पुलिस वुलिस की जीप भी है आगे, जाम लगा पड़ा है पूरा, और सिर्फ हमें यहीं से यू टर्न लेना है।
यू थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैं इस बस वाले के आगे लगाऊंगा। और इस बंदे ने यहीं पे यहाँ पे जामुन मैंगो शेक पी रहे थे, जोमेटो से बर्गर ऑर्डर कर दिए। ये बंदा डाइट वाइट पे कुछ नहीं रहता, कभी बर्गर कभी मैंगो शेक, ये इसकी डाइट चल रही है। और देखो भैया वासु सिंह की नोटिफिकेशन आ गई, जाके वीडियो देख लो। तो भाई डिलीवरी बॉय ले आया हमारे बर्गर, कितना हुआ सर? 300। जल्दी फाड़ो, ये जल्दी है भाई हमारी डाइट, कभी मैंगो से कभी बिरयानी। अरे ये बाय वन गेट वन क्या, ये क्या बना दिया मेरा? क्या होगा, तीन ही है? भैया मैंने तीन कर दिया ऑर्डर, मैं से तो चलो कोई बात ना भैया, इसका थोड़ा सा कट गया है, इसमें बाय वन गेट वन मंगाए थे पर उन्होंने तीन ही भेजे हैं, और हमने करे थे दो बर्गर, मतलब दो के आने चाहिए थे, चार आए तीन, कोई बात नहीं। आलू बेचारे तीन, बाय वन गेट वन ऑफर अप्लाई। भाई ठीक है, किसी को समझ में आए तो हमें बता देना, कोई बात नहीं, इतने में ठीक है, 300 में तीन बर्गर ठीक आए हैं। सारी थार भी ऐसी खरीद ले करे हम। सही कह रहा है, क्या बज रहे हैं 10, ये देखो खास हो रही है, लेकिन फिर भी हम ठंडा सब पी रहे हैं। अरे लेटे लिए मैं तो कैपेचिनो सोच रहा। और भाई साहब ये रहे डाइटिंग पे, दो सैंडविच मार रहा अकेला। ब्लॉग करते हैं प्रेंट, अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। शुरू कब करा? अभी शुरू करा। चलो वही है तो भाई, ब्लॉग करते हैं प्रेंट, अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।